28 सितंबर 1907 को भारत में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसने बहादुरी और जोश की सारी हदें पार कर दी। जब भी भारत की आजादी की जंग, भारत के फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाती है तो भगत सिंह का नाम जरूर लिया जाता है और लिया भी जाना चाहिए। मात्र 23 साल की उम्र में उन्होंने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। उनका नाम लेते ही मानो डर को भी डर लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, भगत सिंह का जन्म आज के ही दिन पंजाब के लयालपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, जो उस टाइम ब्रिटिश इंडिया में पढ़ता था और आज पाकिस्तान में पढ़ता है। बचपन में कुछ साल गांव के स्कूल में पढ़ने के बाद इन्होंने लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में दाखिला लिया, जिसको लाला लाजपत राय ने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर होकर बनवाया था, जिसमें गांधी जी ने अंग्रेजों के बनाए हुए सारे प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करने के लिए कहा था और पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी। क्योंकि इनके पिताजी और चाचा जी भी फ्रीडम फाइटर्स थे तो बचपन से ही इन्होंने कई बहादुरी के किस्से सुने थे, जिसकी वजह से इनको सिर्फ एक ही भूख थी और वो थी देश की आजादी की। दोस्तों, इस बात से इनका एक किस्सा याद आ जाता है। एक बार ये स्कूल जा रहे थे तो इन्होंने देखा एक अंग्रेजी अफसर एक भारतीय पर कोड़े बरसा रहा है। ये देखकर इनका खून खौल उठा। अगले दिन जब ये अपने पिताजी के साथ खेत पर गए तो इन्होंने देखा इनके पिताजी खेत में बीज बो रहे हैं। अब भगत सिंह के दिमाग में तो वही कोड़े बरसाने वाला किस्सा चल रहा था। तो अगले दिन जब ये खेत पर आए तो साथ में अपनी बंदूक ले आए और उसे जमीन में बोने लगे। तो वहां जो आसपास काम कर रहे थे लोग, उन्होंने उनसे पूछा कि बेटा क्या कर रहा है। तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर ये बंदूक को मैं जमीन में बो दूंगा तो यहाँ एक बंदूक का पेड़ लग जाएगा और कई सारे बंदूकें इकट्ठा हो जाएंगी, जिसकी वजह से हम डट कर अंग्रेजों का मुकाबला कर पाएंगे और उन्हें अपने देश से निकाल फेंकेंगे। ये सुनकर दोस्तों वहां सभी लोग भगत सिंह की अपने देश के प्रति स्वतंत्रता का भाव देखकर दंग रह गए और वो लोग तभी समझ गए थे कि ये कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि एक ऐसा बच्चा है जिसका दूर दूर तक डर से कोई लेना देना नहीं। जहां आजकल के 8 साल के बच्चे वीडियो गेम्स या फिर खिलौने मांगते हैं, वो सिर्फ देश की आजादी की बात करते थे। दोस्तों, हमारे देश में जब भी फ्रीडम स्ट्रगल की बात की जाती है तो जनरली फ्रीडम फाइटर्स को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, एक वायलेंट और दूसरा नॉन वायलेंट, और जनरली भगत सिंह को वायलेंट वाली कैटेगरी में रखा जाता है। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि भगत सिंह को किताबें पढ़ने का बेहद शौक था। इनफैक्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से शिव वर्मा, जो लाहौर सेंट्रल जेल में भगत सिंह के ही साथ थे, उनका कहना था, वैसे तो हम सबको किताबें पढ़ना पसंद था मगर भगत सिंह को किताबों से अलग ही प्यार था। वैसे तो उनके मन में सोशलिज्म को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर था मगर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक बेस्ड किताबें पढ़ने में भी बहुत रुचि रखते थे। चार्ल्स डिकेंस, हॉल केन, विक्टर ह्यूगो, ऑस्कर वाइल्ड और लियोनार्ड एंड्रयू, ये उनके कुछ पसंदीदा लेखकों में से थे। उन्हें इस कदर किताबें पढ़ना पसंद था कि वो खुद को कैरेक्टर्स के साथ इतना जोड़ लेते थे कि जब वो कैरेक्टर्स हंसते थे तो उनके साथ भगत सिंह भी हंसते थे और जब वो कैरेक्टर्स रोते तो भगत सिंह भी उनके साथ ही रोते। कहा जाता है कि उन्होंने अपने छोटे जीवन काल में भी लगभग 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी थी। दोस्तों, अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो भगत सिंह एक एथिस्ट होने के साथ साथ कम्युनिज्म और एनार्किज्म से भी काफी प्रेरित थे। अक्सर वो कार्ल मार्क्स और लेनिन की टीचिंग्स, उनके विचारों के बारे में पढ़ा करते थे, बात किया करते थे और कई लेटर्स में उन्हें अपने कोट भी किया करते थे। उनके हिसाब से रेवोल्यूशन का मतलब था जहां पावर एक पार्टी से दूसरी पार्टी या सरकार के पास ना जाए, बल्कि एक ऐसे समाज में जाए जहां इक्वालिटी हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, किसी तरह का ऑपरेशन ना हो, जहां मासेस को भीड़ मानकर इग्नोर ना किया जाए बल्कि उनकी बात सुनी जाए, उन्हें हर चीज में बराबर का हिस्सा दिया जाए, जहां वोटिंग का अधिकार सबको बराबर मिले और ना कि सिर्फ उनको जिनके पास प्रॉपर्टी है। दोस्तों, ये जानना बहुत जरूरी है कि उनकी लड़ाई सिर्फ देश की आजादी के लिए ही नहीं थी बल्कि उन लोगों के लिए भी थी जिन पर सालों से अत्याचार हो रहे थे। उनका कहना था कि देश का स्ट्रगल तब तक चलता रहेगा जब तक ये मुट्ठी भर लोग, चाहे अंग्रेज हो या फिर खुद भारतीय, अपने फायदे के लिए आम आदमी या फिर लेबर को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे। Why am I an atheist? एक ऐसे जो उन्होंने 1930 में लाहौर सेंट्रल जेल में लिखा था। इसमें उन्होंने कहा है कि मरने से पहले एक हिंदू, मुसलमान या फिर एक क्रिश्चियन सोचता है
कि मैं अगले जन्म में एक राजा बनकर पैदा होऊंगा, या फिर मरने के बाद जब मैं हेवन में जाऊंगा तो मुझे किस तरह के ऐशो आराम नसीब होंगे। मगर उन्होंने कहा कि मैं क्या सोचूं जब मुझे पता है कि जिस समय जिस वक्त ये फांसी का फंदा मेरे गले में लगेगा वो मेरे लिए और मेरी आत्मा के लिए पूरी तरह अंत होगा और इसके आगे मेरे लिए और कुछ नहीं होगा। अंधविश्वास को लेकर उनका कहना था कि एक इंसान के जीवन के लिए बहुत घातक हो सकता है। ये इंसान के सोचने और समझने की शक्ति को बेहद कमजोर बना देता है। एक बार उनके एक दोस्त ने उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा, तो जब उन्होंने उसे बताया कि वो एक एथिस्ट हैं, यानी कि भगवान में नहीं मानते, तो उनका दोस्त बोला कि जब तुम्हारा आखिरी समय आएगा तो तुम जरूर प्रार्थना करोगे। तो जवाब में उन्होंने बोला कि नहीं दोस्त, यहाँ तुम गलत हो, मैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए, अपने ज्यादती कारणों के लिए कभी प्रार्थना नहीं करूंगा। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि भगत सिंह और उनके विचार दोनों ही समय से बहुत आगे थे और बहुत प्रोग्रेसिव थे। इस वीडियो में मैंने उनके कुछ विचारों के बारे में बात की है, मगर अगर आप उनकी राइटिंग्स को गहराई से पढ़ेंगे तो आप उनकी विचारधारा, उनकी टीचिंग्स, उनके आदर्शों के बारे में और गहराई से समझ पाएंगे। कुछ लिंक्स जो मैंने रेफर की हैं वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपसे विनती करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आप जाके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं उनकी विचारधारा के बारे में। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी भगत सिंह की एक दूसरी साइड को बेहतर तरीके से जान सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।